मतलब एक पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो पब्लिक है वो नहीं जा सकता, ये प्रॉब्लम है बिहार की। Hey guys, it's Jaji with a new video. और आज हम लोग आए हुए हैं भागलपुर स्टेशन पे, और मैं भी आया हूँ इधर नाथनगर साइड वाले गेट की तरफ से मैंने एंट्री ली है, और अपन लोग अभी वहाँ पे जाएंगे उस साइड जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, मतलब जो फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है उस तरफ से अपन लोग जाएंगे स्टेशन के अंदर, और स्टेशन के अंदर जो भी सूट होगा वो करेंगे, मतलब जो भी न्यू बना है वो सब आप लोग को दिखाएंगे। अभी इधर क्या है कि इधर झंडा वगैरह लहराते रहता है, बट आज पता नहीं क्यों यहाँ से झंडा हटा दिया गया है, आई डोंट नो वाई, बट अभी झंडा नहीं है इधर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा को पूरा भागलपुर का स्टेशन जो है उसका नज़ारा देख सकते हो, और इस साइड जो आई लव भागलपुर जंक्शन वाला लगा हुआ है वो पीला पड़ गया है, वाइट था पहले बट अभी पीला पड़ गया है। और इधर जो आप पीछे देख पा रहे हो इस साइड, ये जो पूरा है ये वर्टिकल गार्डन है, इसे मतलब वर्टिकल गार्डन कहते हैं, और ये जो वर्टिकल गार्डन है ये अपने इंडिया का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन है, ऐसा यहाँ पे मतलब मेंशन किया गया है। ईस्टर्न रेलवेज़ वेलकम यू टू इंडियाज़ बिगेस्ट वॉल गार्डन, वर्टिकल वॉल गार्डन। तो चलते हैं, अपन लोग अभी उधर जा रहे थे फुट ओवर ब्रिज के पास जा रहे थे, तो चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे से अपने लोग एंट्री लेंगे स्टेशन के अंदर, देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट जाके देख सकते हैं। भागलपुर स्टेशन अपने रीजन का तीसरा सबसे बिजीएस्ट स्टेशन है, और ये वाला जो फुट ओवर ब्रिज है यहाँ न्यू बन रहा है, और ये वाले फुट ओवर ब्रिज के थ्रू आप लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः के छः प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हो वो पीछे कार पार्किंग बनाया गया है, और काफ़ी लंबा स्पेस इस बार प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर कार पार्किंग के लिए, और अभी अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चलते हैं, और वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ नया आया हुआ है। काफ़ी चीज़ें लॉकडाउन के टाइम में कंस्ट्रक्ट हो रहा था, और यहाँ पर से आपको एक एरियल व्यू देते हैं पूरे स्टेशन का, दम फूल रहा है, माय गॉड। मतलब यार इन लोग को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, और कुछ लोग दिल्ली जाने को हैं, कुछ लोग अलग अलग मतलब हर जगह जाने को हैं ये लोग, तो इन लोग को प्रॉपर यहाँ पे खाना भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे ये फुट ओवर ब्रिज पे अपने मतलब रात गुजार रहे हैं, और मतलब क्या ही कहना यार, काफ़ी पता नहीं यार कौन कौन सी ट्रेन चल रही है, कौन कौन सी ट्रेन नहीं चल रही है। इस तरफ भागलपुर स्टेशन पे एस्केलेटर तो लगाया गया है, बट एस्केलेटर वर्किंग नहीं है, बंद पड़ा है। ये वाला भी आप देख सकते हो, ये वाला भी एस्केलेटर बंद पड़ा हुआ है, दोनों एस्केलेटर बंद पड़ा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीढ़ी का प्रयोग करेंगे। अभी मेरे सामने एक WDM 3D लगी हुई है, और ये है समस्तीपुर का इंजन, देख सकते हो इधर, और पता नहीं शायद पैंट्री कार इसमें लगा हुआ है। इस साइड है IRCTC का फूड प्लाजा, एक्सप्रेस फूड प्लाजा, जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है लॉकडाउन के कारण, अभी बंद पड़ा हुआ है। और अभी अपने लोग और आगे चलते हैं, और आगे चल के देखते हैं, इधर एक टी स्टॉल है, ये टी स्टॉल खुला हुआ है जैसा मैं देख रहा हूँ, अभी टी स्टॉल खुला हुआ है यहाँ पे। ये
ये कैसा नल है यार। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, और सॉरी यहाँ तो कोई यात्री ही नहीं है, पूरा स्टेशन देख सकते हो खाली पड़ा हुआ है और भोजनालय वगैरह सब कुछ बंद है। ये यहाँ पर का वेटिंग रूम है, और वेटिंग रूम इतना काला क्यों आ रहा है, वेटिंग रूम देख सकते हो काफ़ी साफ सुथरा है, बहुत ही तगड़ा है। और इस साइड बुक स्टोर है, और एक अंकल जी यानी कि जो वर्कर हैं वो बेचारे थक के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बाहर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, रुको। मैं यहाँ पे सामने देख सकता हूँ कुछ पुलिसकर्मी वगैरह बैठे हुए हैं, और प्लेटफॉर्म पूरा खाली पड़ा हुआ है। इधर टिकट वाला रूम जो है, पूछताछ केंद्र यानी कि इंक्वायरी यहाँ पर है, और वहाँ पर से सामने से या फिर पीछे के साइड से आप लोग दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। यहाँ पे कुल 6 प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे टिकट चेक होता है, और कॉन्टेक्टलेस टिकट चेकिंग होता है यहाँ पे। आप अपना टिकट यहाँ पे रख दीजिए, आपका टिकट यहाँ चेक हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्क्रीनिंग करने के लिए ये यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह नापने के लिए इसका यूज होता है। तो ये अभी बंद पड़ा है क्योंकि अभी ट्रेन वगैरह आती नहीं है। तो जो अंकल पीछे बैठे हैं उनसे मुझे पता चला कि जब ट्रेन आती है तो यहाँ पर इसे चालू किया जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये स्क्रीनिंग मशीन है, और अभी ये चालू नहीं है, बट जब यहाँ पर ट्रेन वगैरह आती है तो इसे चालू किया जाता है और टेम्परेचर वगैरह नापा जाता है। इधर एक बुक स्टॉल है, एंड बुक स्टॉल कम मल्टीपर्पज़ स्टॉल है, जहाँ पे आपको फूड वगैरह भी मिल जाएगा, वाटर बॉटल वगैरह मिल जाएगा। आप लोग को फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल ले जाने वाला हूँ, जो कि मतलब पुरुषों के लिए यानी कि मेल के लिए है ये। तो यहाँ पे मतलब ये जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो किसी ने नहीं दिखाया आपको, स्टेशन यहाँ के किसी ने नहीं दिखाया। यहाँ पे अभी काम चल रहा है, और अंदर भी है क्या, इतना समय है। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, और सिटिंग के लिए यहाँ पे मतलब बैठने के लिए चेयर वगैरह लगा है, और इधर देख सकते हो 2 AC लगा हुआ है यहाँ पे, लाइट वगैरह की काफ़ी अच्छी सुविधा है। मैं आपको यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। यहाँ पर का वॉशरूम का क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। इधर भी माय गॉड, बहुत ही अच्छा, मतलब लॉकडाउन का असर हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल साफ है, कोई बहुत ही अनप्लीजेंट सा स्मेल नहीं आ रहा। और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है जो कि थोड़ा गंदा है मिरर, तो ये अभी काम वगैरह चल रहा है तो इसके कारण थोड़ा गंदा है। तो आई एम इम्प्रेस्ड यार, भागलपुर स्टेशन पे इतना बढ़िया वेटिंग रूम, अमेजिंग। मेरे पीछे इस साइड रिज़र्व लॉन्ज की सुविधा है, मतलब इस स्टेशन पर ये सुविधा है। तो मैं अभी स्टेशन सुपरिटेंडेंट के पास गया हुआ था, उन्होंने बताया कि आप चले जाओ इंक्वायरी के पास, और इंक्वायरी के पास वहाँ की मतलब चाबी वगैरह रहती है, तो उनको जाकर बोलना तो वो वहाँ पे खोल देंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं इंक्वायरी के पास और वहाँ पे बताते हैं क्या है नहीं है, उसके बाद अगर खुल जाता है तो काफ़ी सही रहेगा। सो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंदर क्या हुआ कि कुछ मतलब जो पुलिस वाले थे वो पहले तो बोले कि परमिशन लेके आओ, तो मैं परमिशन लेके आया, स्टेशन सुपरिटेंडेंट जो थे वहाँ से मैंने परमिशन लिया, और उसके बाद भी मतलब मेरे को बोले कि जाओ यहाँ से, चलो निकलो करके मेरे को यहाँ से निकाल दिए। मतलब एक पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो पब्लिक है वो नहीं जा सकता, ये प्रॉब्लम है बिहार की। मतलब थोड़ा तो मतलब कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि मैं आया हुआ था यहाँ की जो भी सुंदरता है या फिर जो भी अच्छा है वो आप लोग को दिखाने आया हुआ था, बट
आई डोंट नो क्या वो समझे क्या नहीं समझे, वो एक पुलिस के पोस्ट पे होके ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा यार। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।